Let's discuss Odisha DCT Science, which has been held on 6 March 2022, and this is part 3, in which we will discuss question number 71 to 80. This is the last part of this question paper. Question number 71 is, if the change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as at the depth x below it, then, तो देखो, इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर आप ऊपर जा रहे हो h height और नीचे जा रहे हो h depth, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा कि जितनी ग्रेविटी यहाँ पर है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर भी हो. तो मैं इसको g dash h बोल देता हूँ, इसको g dash x बोल देता हूँ. कंडीशन गिवन है g dash h बराबर है g dash x के, मतलब जितना आप ऊपर जा रहे हो वहां पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और आप एक्स डेप्थ नीचे जा रहे हो उस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अगर ये दोनों इक्वल है तो जी मतलब एच और एक्स में क्या रिलेशन होगा. मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जैसे आप एच हाइट ऊपर गए और डी डेप्थ नीचे गए, तो रिलेशन होता है डी इक्वल टू टू एच. यहाँ पर डी की जगह एक्स दिया है, तो एक्स इज इक्वल टू टू एच हो जाएगा आंसर. तो मतलब करेक्ट ऑप्शन बी. बट इसको समझाते हैं कैसे. अगर आप एच हाइट ऊपर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी डैश 1 माइनस 2 एच अपॉन में आर. वैसे एक और रिलेशन होता है ऊपर जाने पर, जो है जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर. बट हम इस रिलेशन को यूज करेंगे यहाँ पर. और अगर आप डी डेप्थ नीचे जा रहे हो तो उसका होता है 1 माइनस डी अपॉन में आर. तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल पुट कर देना है बस. तो जब आप इक्वल पुट करोगे ये हो जाएगा जी 1 माइनस 2 एच अपॉन में आर, और जी 1 माइनस डी की जगह पर यहाँ पर एक्स दे दिया है. देखो जी से जी कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल होगा. ये अलग अलग स्टेप में करना होता है, लेकिन मैंने आपको यहीं पे करवा दिया. तो 2h बराबर किसके आ जाएगा, x के. x बराबर कितना हो जाएगा, 2h. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स स्पीड इज वी एंड इट हैज लॉस्ट एन अमाउंट ऑफ यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी. तो उसका मास कितना होगा ये बताना है. देखो जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की होगी, क्योंकि उसकी ग्राउंड से हाइट कम हो रही है. तो जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस की हुई होगी, उतनी ही अब उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. तो मैं लिख सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यू के. तो हमें मास पता करना है, मास कितना हो जाएगा, 2 times ऑफ यू अपॉन में वी का स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर होगा 2u v² यानी कि ऑप्शन सी. नेक्स्ट द इम्पल्स इम्पार्टेड टू अ बॉल इज 0.15 किलोग्राम व्हेन इट्स बैट्समैन हिट्स द बॉल. तो देखो इधर से आप बैट्समैन को बॉल करवा रहे हैं, तो इसका मास है 0.15 और इसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड. अब जब वो बैट्समैन उसको हिट कर रहा है, तो ये जो बॉल है ये सेम स्पीड से वापिस जा रही है 14 मीटर पर सेकेंड से. तो आपको बताना है इम्पल्स कितना होगा. इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी. अब मैं मान लेता हूँ कि जब ये इस तरफ जा रहे, तो लेट इसका इनिशियल मोमेंटम है एम यू, और जब ये वापस आ रही है तो इसका फाइनल मोमेंटम, ये तो होगा पी आई और ये हो जाएगा पी एफ. फाइनल मोमेंटम कितना होगा, एम फाइनल वेलोसिटी. लेकिन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ही तो इक्वल है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑल्सो. सो पी फाइनल विल बी इक्वल टू माइनस एम इंटू में यू. सिंस मोमेंटम चेंजेस विल बी इक्वल टू इम्पल्स, वी कैन राइट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू, सो इट विल बिकम माइनस 2mu. अब मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया, जब भी इस तरह से हो कि मोमेंटम में चेंज ना हो रहा है, कि जिस स्पीड से जा रही है उस स्पीड से वापस आ जाए, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ माइनस 2mu. यहाँ पर माइनस नहीं दिया तो वी कैन इग्नोर द माइनस साइन. सो इट विल बी 2m इंटू में यू. मास इज 0.15 इंटू स्पीड इज 14 मीटर पर सेकेंड. So when you will solve it, you will get 4.2 meter per second, यानी कि option C. Question number 74. The tension in the string of mass 100 kg accelerating upward with acceleration of 2 meter per second square. तो मान लीजिए कोई lift है जिसका mass है 100 kg और ये acceleration 2 meter per second square से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें बताना है इसमें टेंशन कितनी होगी, टेंशन टी. तो देखो टेंशन जो होगी, इट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन. सो इट विल बी इक्वल टू, जब लिफ्ट ऊपर जाती है नॉर्मल रिएक्शन होती है एम जी प्लस ए. सो हेयर एम इज
100, अगर ये नीचे आ रही होती तब मैं टेंशन लेता एम जी माइनस ए डाउनवर्ड के लिए, तो जी की वैल्यू 9.8 प्लस में एक्सेलेशन की वैल्यू 2, सो इट विल बी इक्वल टू 100 इनटू में 9.8 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 11.8, सो द टेंशन विल बी 1180 न्यूटन, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 75, व्हेन वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू, मतलब आपको पता है जैसे लाइट यहाँ पर जा रही है वाइट लाइट, तो ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है। अगर मैं नीचे से मेजर करूँ तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है दिख की ओर। अभी इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, सबसे ज़्यादा कौन बेंट हुआ है, वायलेट कलर, जिसमें ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुआ होगा, तो वो होगा वायलेट। और अगर लीस्ट डेविएशन पूछता तो वो होता रेड कलर में। द मिरर विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इज ऑलवेज मैग्नीफाइड, देखो वर्चुअल भी होनी चाहिए और ऑलवेज मैग्नीफाइड भी होनी चाहिए। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर लूँ, ये पोल ये फोकस, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दूँ, तो एक लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, ये फोकस से चली जाएगी बाद में, और अगर मान लीजिए इंसिडेंट एंगल आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आर। तो इसको पीछे ले जा करके हम एक इमेज बनाते हैं, ये इमेज वर्चुअल भी बनी है और हमें से मैग्नीफाई भी बनेगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर इसकी जगह वर्ड ये होता प्रोड्यूस ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, मतलब छोटी, तब के केस में आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो बट यहाँ पर तो ऑलवेज मैग्नीफाई पूछा है, तो बड़ी भी होगी वर्चुअल भी होगी कॉनकेव मिरर में। 77, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट विच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द सेम आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 150 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर मैं गैस का आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिखूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, तो ये होता है रूट 3 RT अपॉन में कैपिटल एम। इसका मतलब वी आरएमएस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ टी और एम पर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सीजन की जो आरएमएस स्पीड है वो हाइड्रोजन के इक्वल है, इसका मतलब रूट 3 आर तो कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन, ये इक्वल होंगे। तो देखो 3R से तो 3R कैंसिल होगा, रूट से रूट हटा दो दोनों तरफ या स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा टी नॉट अपॉन में एम नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन। एक कंडीशन होती है कि जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पर हम केल्विन में लेते हैं, तो इसलिए हम पहले टेम्परेचर को केल्विन में लाएंगे, उसके बाद डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेंगे। अगर आपको मान लीजिए ये आपको पता होगा टी सी इक्वल टू होता है जितना भी केल्विन में होगा टेम्परेचर, अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेल्सियस में पता है तो 273 ऐड कर दो, अगर केल्विन में टेम्परेचर पता है सेल्सियस में चाहिए तो -273 कर दो। फिलहाल हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बी इक्वल टू टी ओ मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। एम ओ कितना है, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, हाइड्रोजन का मास है 2 इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 150 है, लेकिन उसको इसमें चेंज करेंगे 273 ऐड करके केल्विन में, योग है 16। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, ये जब आप इसको सोल्व करेंगे मिलेगा 6768 और केल्विन में, लेकिन हमें तो चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो 6768 में से 273 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 6495 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 78, इफ ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड रो इज द डेंसिटी देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करेगा ई अपॉन रो पर, यानी कि जो फॉर्मूला होगा वो होता है ई अपॉन में रो, सो करेक्ट आंसर विल बी ई अपॉन रो, मतलब ऑप्शन ए।
79. द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इन द स्ट्रेस स्ट्रिंग इज गिवन बाय, इसका भी देखो फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा होता है, जो टी अपॉन एम होता है. यही फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाता है, वन अपॉन में लेंथ रूट टी अपॉन में एम. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी इक्वल टू रूट टी अपॉन में एम. लेकिन ध्यान रखिए एम मास नहीं होता, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, या मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं. 80. द क्वालिटीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड, द क्वांटिटी दैट गेट ट्रांसमिटेड इन द प्रोपोगेशन डायरेक्शन व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट फ्रॉम मीडियम, जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम से प्रोपोगेट करती है तो क्या क्या चीज़ उसमें उसके साथ जाती है. तो उसके साथ जाती है एनर्जी और लीनियर मोमेंटम. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत एग्जाम में पूछा गया है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. मास और पार्टिकल इधर उधर नहीं जाएंगे, वो तो वहीं पर रह करके वाइब्रेट करते रहते हैं, सिर्फ डिस्टरबेंस आगे जाता है, उस डिस्टरबेंस के साथ एनर्जी और मोमेंटम आगे जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी.